हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है देवर जी, आप ये रिश्ता के पीछे काहे पड़े हैं? मिथिला में और कोनो लड़का नहीं है का जिसका पतरी अच्छा हो? काहे वो अहंकारी औरत का सामने अपना माथा रगड़ रहे हैं? अहंकार तो इस कपूर को भी है, इसे लगता है कि प्रकाश के साथ साथ ये वातावरण में सुगंध भी फैला रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ये गायब हो जाएगा। हाँ, हम भी देखे हैं कैंपर, मेल्ट हो जाता है बाहर हवा लगते लगते, सब खत्म। ठीक ऐसे ही लीलावती चौधरी का अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, लगता है देवर जी कुछ सोचे हैं। कल भीष्म द्वादशी है, लीलावती चौधरी महायज्ञ अवश्य करवाएंगे, उनकी आस्था है व्रत और महायज्ञों में। ये महायज्ञ आरंभ तो जरूर होगा, लेकिन समाप्त सिर्फ हमारी वजह से होगा। आ गया हमारा पोता, तुम्हारे लिए तो करवा रहे हैं ना ये हवन। सीता जैसी बहू लाएगा मेरा पोता। ए तनिक जाके देखो तो वो रघु गुगुल लेकर आया कि नहीं। अरे महाहवन की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है ना वो। माँ जी वो क्या है ना कि यहाँ मिथिला में ना मिल नहीं रहा है, वो विश्रामपुर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। भीष्म द्वादशी का महायज्ञ बिना गुगुल के कैसे करोगी चौधरायन? मिथिला और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सब का गूगल तो हमने ले लिया, अब आपको हमारी सहायता तो लेनी ही होगी। क्या पूरा मिथिला में गूगल नहीं मिला? पूरा जिला छान मारा, किसी भी दुकानदार के पास नहीं मिला। अगर ये हवन संपन्न नहीं हुआ तो बहुत ही बुरा होगा। सोने का कीमत दो लेकिन गुगुल लेकर आओ। मुमकिन नहीं है माँ। तुमसे कभी कुछ हुआ है? अब कहाँ जाए बाजार में और ढूंढते फिरे गुगुल? कितनी बेकार सी जगह है नहीं मिथिला, देखो ना मामूली सा गुगुल भी नहीं मिलता। छह। नमस्कार लीलावती जी। हमें पता चला कि गूगल की आपको बहुत कड़ी आवश्यकता है। हम भी धर्म कर्म वाले इंसान हैं, तो आपके इस महायज्ञ में कोई विघ्न आए ये हमसे सहन नहीं हुआ, इसलिए आपके लिए कुछ लाए। रोहित जी गूगल अच्छा काम किए हैं आप, कैसे चुकाएंगे हम आपका ये ऐसा? इस शहर का और पूरा जिला का गुगुल किसके तहखाने में है हमको भी पता है। भाई कि आपकी बेटी और हमारे पोते की शादी का कारनामा आप कर नहीं पाएंगे।